अपना काइन वॉशर ओपन करना है, उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम के लिए। ऐसा कुछ दिखेगा आपको, उसके बाद आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेने हैं आपके फोल्डर में से। आपको 4 स्टेप्स में वीडियो निकालने हैं। फर्स्ट शॉट है मीन्स पहले शूज़ का शॉट लेना है, उसके बाद फिर हाफ बॉडी, फिर फुल एंड देन पीछे आके बैक फुल। ऐसा 4 शॉट्स निकालने हैं आपको, आपके मोबाइल फ़ोन में या कैमरा में किस में भी निकाल सकते हो, कहीं क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें। उसके बाद आपको जस्ट ऐसा दिखाएगा, उसको रोटेट कर लेना है। ऐसे 4 शॉट्स ले लेने हैं, पहले बॉडी मीन शूज़ का, उसके बाद फिर हाफ बॉडी, फिर फुल एंड देन और पीछे आके फुल। ऐसा कुछ शॉट्स ले लेना है एंड देन कट करके आपको एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब से। आपको जो शॉट्स अच्छा लग रहा है वो शॉट्स आपको एडजस्ट कर लेना है। मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको जो शॉट्स अच्छा लगे वो कट करके रख कट करना, स्प्लिट करना है बीच में से, एंड जो आगे का शॉट है वो पीछे लेके जाना है आपको स्क्रॉल करके। मैं कैमरा में निकला है इसलिए वीडियो ग्लिच हो रहा है और इसमें काइन मास्टर में, पर वो एक बार एक्सपोर्ट हो गया तो अच्छा दिखता है, आपको ग्लिच नहीं दिखेगा वहाँ पे। आपको मेरे को ये शॉट्स अच्छे लग रहे, तो मैं ये कट करके आके रख के मैं आगे आगे वाले शॉट्स पीछे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो पीछे भी यूज़ आएंगे हमको, क्योंकि 23 कुछ सेकेंड का वीडियो रहेगा। उसके वजह से हम लोग को वो भी शॉट्स यूज़ आएंगे। आपको सब शॉट्स जो हाफ बॉडी शूज़ एंड फुल बॉडी का शॉट्स है उसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं भी कट करके आपको बता रहा हूँ कैसे एडजस्ट कर लेना है। आपको जस्ट एक शॉट कट कर लेना है और उसके बाद दूसरा शॉट उसके पीछे लगा लेना है, सबसे पीछे। मैं भी वैसे ऐसा कर लेना है, आपको होल्ड करके पीछे लेके जाना है। आपको सब शॉट्स धीरे धीरे ऐसा लेके आना है पीछे। उसके वजह से वीडियो प्रॉपर बनेगी। उसके बाद जो आपको शॉट अच्छे लग रहे वही लेके थोड़े थोड़े शॉट्स में शूज़ के वगैरह के लाइन से लगाने, एंड बीच बीच में आपको आपके हिसाब से लगा सकते हो कौन से भी शॉट्स। खाली वीडियो को शॉट्स को डिलीट नहीं करना है। अभी मैं एडजस्ट कर लिया, मेरे को इतने शॉट्स अच्छे लगे तो मैं आपके मेरे हिसाब से एडजस्ट किया है। उसके बाद आपको वॉल्यूम कम कर देना है सब शॉट्स का, वीडियोस का, क्योंकि वो वीडियो का वॉइस आना नहीं चाहिए उसमें। मैं ऐसा करके अब भी कर लो इजी, इतना कुछ नहीं। वॉल्यूम कर कम करने के बाद आपको जैसे आपका फोल्डर खोल देना है और आपको एक इमेज इंस्टा मीन्स यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ये इसका रिकॉर्डिंग वीडियो, नहीं तो फिर आपको ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकती हो इसके लिए। एंड आपको ऐसा लगा लेना है आपके फुल वीडियो पे एंड उसको जस्ट बड़ा कर लेना है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का वीडियो दिखेगा आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, कैमरा रिकॉर्डिंग डालोगे तो मिल जाएगा, एंड उसको स्क्रीन पे कर लेना है। एंड अभी अच्छे से दिख रहा नहीं है इसलिए अपने को डुप्लीकेट लेयर बनाने का, जब तक वो दिख रहा नहीं है, अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत कुछ, तो आपको डुप्लीकेट लेयर बना लेने का उसका प्रॉपर से। अभी दिख रहा है अच्छे से डुप्लीकेट लेयर बनाने का। एंड वीडियो का जो स्पीड है आपको कम कर लेना है आपके हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लग रहा है। एंड देन सब वीडियो का विंटेज ऑन कर लेना है, विंटेज से और प्रॉपर वीडियो लगेगी। विंटेज को ऑन कर लेना है आपको। विंटेज अच्छा लग रहा है सब पे। सब वीडियो को स्लो करके विंटेज ऑन कर लेना है, सब वीडियो को थोड़ा सा स्लो करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका कैमरा जब हिलता है तभी ऐसा लगता है बहुत शेक हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो करने के बाद वो थोड़ा स्मूथ रहता है, इसके लिए आपको स्पीड कम कर लेना है एंड विंटेज ऑन कर देना है। मेरा हो गया विंटेज ऑन वगैरह, स्पीड कम हो गया सब वीडियोज़ का। एंड उसके बाद आपको जस्ट नीचे सब एडजस्ट कर लेना है, देखना है स्पीड कम हो गया तो आपका वो इमेज भी कम हो जाएगा, इसके लिए आपको से प्रॉपर इमेज कर लेना है। उसके बाद आपको जस्ट आपके वापस से लेयर में जाना है, देन इमेजेस में जाना है, उसके बाद आपको एक वीडियो चूज़ कर लेना है। ये वाली वो वीडियो है, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल सकती है ये वाली वीडियो,
सो मीन्स यूट्यूब पे भी मिल सकती है, कंप्यूटर ग्लिच करके आपको जानना है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल सकती है वाली। नहीं तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना ये भी, इस मीन्स ग्लिच इफेक्ट के लिए। मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा ये वाले ग्लिच। उसके बाद यही इसको आपको एडजस्ट कर लेना है वॉइस कम करके। मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है और पीछे ब्लैक स्क्रीन भी डाल लेना है वीडियो एंडिंग तक, क्योंकि वो एंड के ऊपर अच्छा दिखेगा इसके लिए। आपको एडजस्ट करके अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको जस्ट वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन डाल के उसका कर लेना है। लास्ट फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा आता है इस वीडियो का उसके बाद। मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी वैसे एडजस्ट कर लेना। एंड आपको पीछे ब्लैक स्क्रीन डाल देना है या फिर बैक इमेज नहीं डालो, वीडियो ही डालो। आपको रिकॉर्ड करके मीन्स कैमरे के ऊपर हाथ रख के एक वीडियो बना के पीछे डाल लेना है, तो फिर इमेज डालोगे तो इतना अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड भी मत डालो आप, मैं बोल रहा हूँ वो करो, एक ब्लैक रिकॉर्ड निकालो और वो पीछे एडजस्ट कर लेना उसके पीछे। एंड देन आपको साउंड चाहिए तो फिर अभी मैं साउंड लगाने वाला हूँ इस वीडियो पे। आपको जस्ट BRG के ऊपर जाओगे, मीन्स BRG के इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे जाओगे तो आपको ऐसे सेम वीडियो मिलेगी रील्स में। इसको खाली आपको डाउनलोड करके उसके बाद आपको हैशटैग द ऑडियो करके आपको ऑडियो मिल जाएगी ना, वो वीडियो का आपको डिलीट कर लेना है। एंड आपको फिर वापस से एडजस्ट करना पड़ेगा ऑडियो के हिसाब से। वीडियो बहुत बॉम हो जाएगी। एंड मैं इसको सेव कर रहा हूँ। फाइनल आउटपुट देखो आप।